देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक बहुत लंबी सीरीज़ अर्बनाइजेशन की कर रहे थे, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया। सही मायने में अर्बनाइजेशन आपका वाइंड अप है, सारे फिनोमेनास, कंसेप्ट्स, मैकेनिज्म हमने करा दिए। आज हम अर्बनाइजेशन के लास्ट फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन से जुड़े हुए इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि जनरल स्टडीज़ और सेकंड यानी कि ऑप्शनल के लिए हमारे सारे ही लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आज मैं चैलेंजेस के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप कोई भी पिछले लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, जनरल स्टडीज़ के भी और ऑप्शनल के भी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी इन लेक्चर्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। और दूसरी बात, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, 6-7 ईयर्स बिफोर ही, 2011 ऑनवर्ड्स, यूपीएससी ने काफ़ी हद तक जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के बीच की इस डिफरेंस को ख़त्म कर दिया है। धीरे 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 सब एमलगमेट किया जा रहा है। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक जा रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर ज़रा एवेलुएट करें जनरल स्टडीज़ के भी, उनमें आपको कैटेगरी नज़र आएगी, जैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत डीप है तो ऑप्शनल का है। और आप ऑप्शनल को ऑब्जर्व करिए तो उसमें ऐसा लगेगा कि इसमें काफ़ी वाइडर एप्लीकेबिलिटी की बात हुई है, जैसे लगता है कि जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। तो बीच का फ़र्क अब ख़त्म है, आप समझिए इस चीज़ को। लेक्चर आज के बाद वाले हर एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक इशू पे बात करूंगा बहुत डिटेल में, और हर चीज़ हम समझेंगे, और फिर हम इसी को मर्ज कर देंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी से, चाहे फिर वो अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, बी इट एनी थिंग, सब कवर होगा। सारा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट इसी में मर्ज हो जाएगा। शुरुआत करते हैं, पहला वर्ड है जेंट्रीफिकेशन। जेंट्रीफिकेशन, अखबार भरे हुए हैं, रिसर्च पेपर जर्नल्स इससे भरे हुए हैं, हर डिबेट डिस्कशन का ये मुद्दा है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट मैटर से ये गायब है। हमें नहीं पता कि ये है, क्योंकि हम जा नहीं रहे वहाँ पर। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जब आज आप करेंगे तो इसके बाद से आपको ये फीलिंग आएगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट था जो आपने मिस किया होगा। हो सकता है आपने कर भी लिया हो, ऐसा नहीं है कि भाई हम ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ही कर रहे हैं, हमने भी कहीं से पढ़ा ही है, कहीं पर ही हुआ है। मेजोरली इसे मिस कर दिया जाता है, नज़रों से रह जाता है। जेंट्रिफिकेशन, देखिए सबसे पहली बात, इसकी एक लाइन में क्या एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि री इन्वेस्टमेंट इन ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड स्पेस। री इन्वेस्टमेंट इन ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड स्पेस, मैं समझाता हूँ इसके बारे में। आज की डेट में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ के अर्बन एरियाज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दैट इज़ द जेंट्रीफिकेशन। इसके तहत ये माना जाता है कि ये एक अर्बन इशू तो है ही है, इसके साथ साथ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू भी है, क्योंकि इससे कई तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज आज की डेट में कनेक्टेड हैं, और यही हैं एक तरह के अर्बन चैलेंजेस भी, जिन्हें हमें पार पाना है अपने सॉल्यूशंस के साथ। किस तरह की पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। पहले मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ पीछे से, फिर आप अपने आप समझेंगे कि हर चीज़ में कॉन्ट्रोवर्सी क्यों थी। देखिए, कोई समा हुआ करता था जिस वक्त में यूरोपियंस ने कॉलोनलाइजेशन के फेज़ में 16th सेंचुरी के अराउंड अफ्रीकन ब्लैक पीपल को एज ए स्लेव वहाँ से उठा करके सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड नेशंस में जा कर के प्लांट करना शुरू किया फॉर द पर्पज़ ऑफ द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कौन सा था? कमर्शियल एग्रीकल्चर सिस्टम। इन लोगों से, उन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में बनाना की खेती कराई जाती थी, टबैको की खेती कराई जाती थी। ये सभी खेतियाँ, सभी तरह की फार्मिंग जो लगभग कमर्शियल या कैश क्रॉप्स कह लें आप, या प्लांटेशन से कनेक्टेड थी, उनमें इन्हें इन्वॉल्व कराया जाता था, क्योंकि उस समय इन्वेस्टमेंट का एक मेन आस्पेक्ट लेबर ही था। और अगर आप लेबर को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हेडिंग आपके कंट्रोल में आ जाता है, खर्चा नहीं लगेगा आपका। फिर इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फाइनली यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे सेंट्रल अमेरिका से वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ करता था? प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा करते थे, और वो वेस्टर्न यूरोपियन प्रोसेसिंग यूनिट्स इन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाती थी, और उस फिनिश गुड्स को वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे और यूरोपियन मार्केट में बेचती थी।
उससे उन्हें पैसा मिलता था। उसी पैसे को यूज़ करके अफ्रीकन कंट्रीज से स्लेव परचेज किए जाते थे। उन स्लेव्स को सेंट्रल अमेरिका की मार्केट्स में बेचा जाता था। उन सेंट्रल अमेरिकन मार्केट्स से उन पर स्लेव्स को ले करके परचेज करके खेती बाड़ी में लगाया जाता था। उन्हीं स्लेव्स की मदद से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे एग्रीकल्चर, उसे वेस्टर्न यूरोप में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता था। तो इस तरह का ये एक ट्रायंगुलर ट्रेड हो जाता था, वेस्टर्न यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से अफ्रीका, ये प्रक्रिया फॉलो होती थी। तभी से ही जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके साउदर्न रीजन में, एग्रीकल्चरली रिच रीजन्स में ब्लैक लेबर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था और यहीं से ब्लैक पीपल्स का यहाँ पर कंसंट्रेशन होना बढ़ गया। इनके ऊपर कई तरह की एट्रोसिटीज़ कमिट की जाती थी और आपने कई तरह की क्रांतियाँ भी देखी हैं अमेरिका में। आज हमारा सब्जेक्ट मैटर वो नहीं है। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर हुई। अमेरिकन रेवोल्यूशन उन यूरोपियंस ने किया जो यूरोपियंस अमेरिका में आके सेटल हो गए थे, लेकिन अब वो यूरोप से अपनी लिंकेजेस ख़त्म करना चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे। बाद में सिविल वॉर्स हुई, वो नर्दर्न और साउदर्न रीजन्स के बीच में हुई जिनमें ब्लैक पीपल्स को उनके अधिकार चाहिए थे। उसके बाद भी अधिकार उस लेवल पर मिल नहीं पाए, ये प्रक्रिया चलती रही। ऐसे में हुआ ये है कि इस एग्रीकल्चरल रीजन में, जिस रीजन में ब्लैक पीपल्स की इतनी स्ट्रांग रिक्वायरमेंट थी, जिनके बिना कोई काम चल नहीं सकता था, उस रीजन में अचानक से ब्लैक पीपल्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई? 1930 से 1970s के बीच में बड़े पैमाने पर ब्लैक पीपल साउदर्न कंट्री रीजन को छोड़ करके नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाने लगे। उसका कारण क्या था? बड़ी तेज़ी से इस समय में अमेरिका ने फार्म मैकेनाइजेशन अपनाया, यानी कि खेतों में मशीन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उस फार्म मैकेनाइजेशन प्रोसेस की वजह से अब एग्रीकल्चरल एरियाज़ में लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और साइमल्टेनियसली इसी समय में नर्दर्न अमेरिका में, यानी कि नर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं जब अमेरिका जब वहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स का जिक्र कर रहा हूँ, उसी के साउथ और नॉर्थ का जिक्र कर रहा हूँ। तो नर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसी वक्त में आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती नज़र आती है। तो एक तरफ इंडस्ट्री का ग्रोथ होता नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ साउथ में, यानी कि साउथ यूएसए में एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हो रहा है, लेबर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ यूएसए में इंडस्ट्री लग रही है, लेबर की ज़रूरत है। तो ब्लैक पीपल्स ने साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेट करना शुरू किया। 1950s के बाद ये माइग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया और उन इंडस्ट्रियल रिच रीजन्स में इन्हीं ब्लैक पीपल की लेबर की मदद से, जो कि अब वर्कर कहलाएंगे इंडस्ट्री के, बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज बूम करने लगी। अब होने ये लगा कि उस समय में कम वेजेस होने की वजह से और इंडस्ट्रियलिस्टों को एक बेनिफिट हो कि वो इन्हें वेजेस भी कम दें और इनकी सर्विसेज भी उन्हें मिलती रहें, एक कंसोलिडेटेड एस्पेक्ट में ये वहीं पर एग्जिस्ट करें फैक्ट्री के नियर बाय एरिया में, प्लस यही लोग एक अच्छा खासा कंज्यूमर बेस भी बने, मार्केट का काम भी करें उसी कंपनी के बने प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये लोग ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू वेरी लो वेजेस एंड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इंडस्ट्री के अगल बगल में रहना शुरू कर देते थे। और इंडस्ट्रीज़ उस समय सेंट्रल एरिया में लगी होती थी। अब इनके वहाँ पर सेटलमेंट हो जाने की वजह से, कंसंट्रेशन हो जाने की वजह से, जो मिडिल क्लासेस हैं अपर और लोअर दोनों, और या जो आप कह सकते हैं कि जो रिच सेक्शन है, वो तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो गया, यानी कि वो इस रीजन को छोड़ करके बाहर के रीजन की ओर जाने लगा, सेंट्रल रीजन से बाहर। और ये कौन सा रीजन था? ये सब अर्बनाइजेशन फेज़ है, यानी कि आप अर्बन एरिया से सब अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो सोशल डिस्टेंस शब्द सिर्फ कोरोना वायरस के आने से नहीं आया है, इसका महत्व बहुत पुराना है और इसकी एग्जिस्टेंस भी बहुत पुरानी है। तो वाइट सेटलर्स ने ब्लैक पीपल से एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से, और ये कहा कि एक न्यूसेंस क्रिएट होता है इन ब्लैक पीपल्स के द्वारा, अपने आप को सेंट्रल रीजन से पेरिफेरल रीजन की तरफ ले जाना शुरू किया, यानी कि सब अर्बन एरिया की तरफ ले जाना शुरू किया। इसके पीछे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ था। रियल एस्टेट उस समय ये मान रहा था और वो इस बात को स्पेकुलेट भी कर रहा था कि क्योंकि ब्लैक पीपल यहाँ आकर के सेटल हो चुके हैं, जिन्हें आप कलर्ड पीपल कहते हैं आज के डेट में कुछ अखबारों में,
इसकी वजह से जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू डाउन जाने लगी हैं। तो जब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डाउन होने लगा तो उस वक्त में उन लोगों ने जो वाइट सेटलर्स वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने उस गिरती हुई प्रॉपर्टी को, जिसमें कि स्पेकुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक ठाक कीमत पर बेच करके बाहर रह जाना ज़्यादा बेहतर समझा, तो वो बाहर चले गए। इस तरह से हुआ ये कि ब्लैक पीपल कंसंट्रेशन वहाँ पर हो गया, कलर्ड पीपल का कंसंट्रेशन हो गया और ये वहाँ पर डोमिनेटिंग फोर्स की तरह काम करने लगे। अब होता ये है, जेंट्रिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब ये है वो जिसका बर्थ जेंटल है, जो जेंटल बॉर्न है। अब इस प्रोसेस में आज की डेट में पूरा वर्ल्ड क्या देख रहा है, धीरे धीरे हुआ ये कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आने लगी, पोल्यूशन होने लगा, कंजेशंस होने लगी, और इंडस्ट्रीज़ ने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि धीरे धीरे हमें कई लॉज, कई पॉलिसीज़ की ऑब्लिगेशन को फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। उन्होंने अपने ऑपरेशंस सेंट्रल रीजन से बाहर की ओर निकालने शुरू किए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बेसिक इंडस्ट्रीज़ का ज़माना भी जाने लगा। धीरे धीरे टर्शरी सेगमेंट और क्वेटरनरी सेगमेंट की ग्रोथ होने लगी। टर्शरी सेगमेंट जिसमें बैंकिंग इंपॉर्टेंट हो गया, रेस्टोरेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए, होटल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई, फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, क्वाटरनरी सेक्टर जिसमें कि बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, रोबोटिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, जिसके अंदर बहुत ही लॉफ्टी बिल्डिंग्स, द हाई एंड रियल एस्टेट आता है, जिसमें बहुत ही ह्यूज शॉपिंग शॉपिंग मॉल्स आते हैं, ये सेगमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे और इन्होंने उस कोर एरिया से इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया। जब इन्होंने उस कोर एरिया से इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया और यही एक तरह से बेसिस है लग्जरी लग्जरी का, यानी कि मल्टीप्लेक्सेस, हाई लॉफ्टी बिल्डिंग्स, हाईटेक एनर्जी इंड हाईटेक इंडस्ट्रीज, ये सब ही हैं जो एक तरह से लग्जरी और रिच सेक्शन को सर्व करती हैं। आपको बड़े बड़े होटल्स चाहिए, आपको बड़े बड़े एंटरटेनमेंट सर्कल्स चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चाहिए। ऐसे में ये वाइट पीपलर्स, जो वाइट पीपल हैं, इनको वापस से उस एरिया में लाके सेटल करने की कवायद शुरू हुई जिस एरिया से कभी ये जा चुके थे। तो हुआ ये कि जब आप पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है सिटी के मेन एरिया में, मेन बिल्टअप एरिया या कोर एरिया में, उसे रिप्लेस करते हैं एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो ऐसे में होता यह है कि जो फिज़िकल फीचर है सिटी का वो तो बदलता है, पुरानी बिल्डिंग्स धीरे धीरे रिप्लेस होती हैं नई बिल्डिंग्स के साथ। ऐसा आपको जालंधर में, इंडिया में भी नज़र आएगा, कोई शहर है उसका मेन सेंट्रल एरिया है, वहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग तो होगी लेकिन आप देखेंगे उसके बगल में एक और पुरानी बिल्डिंग को तोड़ करके बहुत ही हाईटेक न्यू बिल्डिंग बनी होगी, कोई नया मॉल या नई फ्लैट्स बने होंगे, कुछ भी ऐसा बना होगा, ऐसा अमूमन देखा जाता है। तो पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ करके नई तरह की बिल्डिंगें बनाना, नए तरह के कॉम्प्लेक्सेस, नए तरह के ऑफिसेज, नए तरह के अपार्टमेंट्स, नए तरह के रिक्रिएशनल सेंटर्स, ऑफिसेज, ये सारी चीज़ों का निर्माण करना, और इसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त डेमोग्राफिक चेंज आना। डेमोग्राफिक चेंज कैसा आना, होने ये लग जाता है कि जो पहले आपको बहुत ही कम वैल्यूएबल लैंड लग रहा था, जिसकी वजह से लोग वहाँ से शिफ्ट होकर के बाहर चले गए, अब आप वापस उस जगह में आकर के इन्वेस्ट करेंगे और इसकी वजह से होगा ये कि उस रीजन की और उस लैंड की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। जब उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी तो होगा ये कि जो वाइट पीपलर अपनी वो जगह छोड़ करके रेंट पे दे करके या फिर लीज़ पे दे करके बाहर चले गए थे, अब वो ज़्यादा रेंट सीक करेंगे तो रेंट ज़्यादा मांगा जाएगा। सेकेंड आस्पेक्ट, जो जगहें लीज़ पर दी गई थी वो जगहें वापस ली जाएंगी उनसे जो वहाँ पर ओरिजिनली रह रहे हैं अब, यानी कि उदाहरण के तौर पर ब्लैक पीपल, और ऐसे में वो लीज़ पे दी गई जगहें वापस ले करके वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, यानी कि दो कमरों की सेकेंड स्टोरी, दो कमरों की फर्स्ट स्टोरी वाले फ्लैट्स ख़त्म करके मल्टी स्टोरीड हाउसिंग अब वहाँ पर आएगी। ऐसे में जब उस लैंड में, उस स्पेस में इतनी वैल्यू आ चुकी है, तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इसका ये आएगा कि बड़े पैमाने पर रेंट हाइक हो जाएगा, लैंड की वैल्यू बहुत हाइक हो जाएगी, ऑल इन ऑल पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा वहाँ का। और क्योंकि अब वो हाई एंड इकोनॉमिक सिस्टम में इंड्यूस हो चुकी है जगह,
तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे वो चाय की दुकान को रिप्लेस करता हुआ स्टारबक्स का एक अच्छा सा कैफ़े शॉप नज़र आएगा। ऐसे में इसे अफोर्ड कर पाना इजी नहीं है उस पर्सन के लिए जो वहाँ पर ओरिजिनली रह रहा था। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसकी आमदनियाँ कम हो रही हैं, कारण उसे अब रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है। उसे जिन आवश्यकताओं के लिए पहले कम पे करना पड़ता था, क्योंकि अब उस क्षेत्र में बहुत महंगी हो चुकी है ज़मीन, जिसकी वजह से जो भी लोग वहाँ पर अपने शॉप्स या रिटेल हाउस या कुछ भी ओपन करेंगे, उन्हें अपने खर्चे निकालने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे में जो वहाँ पर लो वेज अर्नर्स या पुअर पीपल रह रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस बढ़ी हुई महंगाई को। ऐसे में उन्हें वह क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ेगा और वापस से उस क्षेत्र को मिडिल क्लासेस आकर के ऑक्यूपाई करेंगी, द वाइट कॉलर पीपल, चाहे वो फिर अर्बन, चाहे फिर वो अपर मिडिल क्लासेस हैं या लो मिडिल क्लासेस। इसको कहते हैं कि आपने एक तरह से डेमोग्राफिक चेंज कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ जेंट्रिफिकेशन में फिजिकल चेंज नहीं होता कि आपने बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स को न्यू बिल्डिंग से रिप्लेस कर दिया, ओल्ड सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री को न्यू सिस्टम ऑफ सर्विस सेक्टर से चेंज कर दिया, ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को न्यू सिस्टम ऑफ रोड्स, न्यू सिस्टम ऑफ ट्रैम, रेलवे, मेट्रो से चेंज कर दिया। इसमें कंप्लीट डेमोग्राफिक चेंज भी होता है। लो अर्निंग पीपल हाई अर्निंग पीपल से रिप्लेस होते हैं। इसमें ये चेंज होता है कि जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएंगी और वहाँ पर उनके बीच में, बीच बीच में आकर के सेटल होने शुरू होंगे वो लोग जो पेरिफेरी पर रह रहे थे, यानी कि वो लोग जो सब अर्बन एरियाज़ में रह रहे थे। इसकी वजह से आपके कल्चरल टाइज जो थे पहले, वो अब अल्टर हो जाएंगे और आप कल्चरली एक आइसोलेशन में रहना शुरू हो जाएंगे अपने नेबर से। अब आपके साथ नेबर के संपर्क नहीं हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत ही डिफरेंट हैं। इस तरह से एक कल्चरल चेंज आता है। तो डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, हर तरह का चेंज इंड्यूस होता है जेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस के तहत। तो ये एक कहानी रही जो हमने लगभग लगभग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में समझी। अब हम इसके डिटेल्ड और बड़े आयाम को समझते हैं, क्योंकि हमने जेंट्रिफिकेशन शब्द आपके सामने स्थापित कर दिया। जेंट्रिफिकेशन का मतलब कि जेंटल बॉर्न लोगों को सब अर्बन एरिया से ला करके वापस सिटी के कोर में री एस्टेब्लिश करना है। वो एरियाज़ जो कभी लो वैल्यू ऑफ द लैंड की वजह से डिस इन्वेस्ट कर दिए गए थे, यानी कि खाली कर दिए गए थे, उन एरियाज़ को वापस से री इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अब उस एरिया की वैल्यू आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेशन यही था, री इन्वेस्टमेंट इन ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड स्पेस, यानी कि जो स्पेसेस पहले कभी कैपिटलाइज थे, एक पॉइंट के बाद आपने उनको खाली किया, डिसइन्वेस्ट किया वहाँ से, और अब आप वापस आकर के वहाँ पर री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये री इन्वेस्टमेंट के पीछे जो मेन फोर्स है वो है द मिडिल क्लासेस। उनको सेटल कराना है, उनको वहाँ पर बसाना है, और इसीलिए बिकॉज दे आर बींग कंसिडर्ड एज जेंटल बॉर्न, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द जेंट्रीफिकेशन। क्योंकि मेनली जो लोग खदेड़े जा रहे हैं वो एक कलर स्पेसिफिक लोग हैं, एक इनकम स्पेसिफिक लोग हैं, एक क्लास स्पेसिफिक लोग हैं। तो दे आर मोस्टली द वर्कर क्लास, दे आर मोस्टली द लो इनकम, दे आर मोस्टली द ब्लैक पीपल। सो यू आर डिसप्लेसिंग दैम। सो देर इज़ अ अल्टीमेट लेवल ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ द पीपल ड्यू टू द रिजुविनेशन प्लान ऑफ द सिटी, विच यू आर कॉलिंग द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिटी। बट अल्टीमेटली इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज। इट इज़ अ डेमोग्राफिक शिफ्ट इन द पॉपुलेशन दैट यू आर रिप्लेसिंग द ओरिजिनल पॉपुलेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन ट्रेवलिंग फ्रॉम द और पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम द सब अर्बन एरियाज। सो इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड डिफरेंट कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। दैट्स वाई सो मैनी पॉलिटिकल कैओस इज आर देयर, क्राइसिस आर देयर, वी हैव टू डिस्कस दैट। नाउ वी विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट इन डिटेल। ओके, देखिए इसके अब हम डिटेल्ड फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन योग्य हैं। पहली है द हिस्टोरिक कंडीशन, इस एस्पेक्ट को मैं अभी आपको समझाऊंगा। दूसरी है द सेंट्रल सिटी डिसइन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरी है द वे द जेंट्रिफिकेशन इम्पैक्ट्स कम्युनिटी। तो इसके सारे एस्पेक्ट हम अभी डिस्कस करते हैं।
जब मैं हिस्टोरिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ तो इसमें हमें रेडलाइनिंग, वाइट पीपल का फ्लाइट, इसे कहते हैं द वाइट फ्लाइट, अर्बन रिन्यूअल, डिसइन्वेस्टमेंट, सब प्राइम लेंडिंग, फोर क्लोजर क्राइसिस, इन सब चीज़ों को अब हम समझते हैं। देखिए हुआ क्या है, हिस्टोरिक कंडीशंस की बात करें और उसमें इन चीज़ों को देखें, ये चीज़ें स्वतः ही अपने आप नहीं होती। जेंट्रिफिकेशन अपने आप प्ले नहीं होता, इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वर्क करती हैं, तो ये एक तरह का पॉलिसी ड्रिवन मैकेनिज़्म होता है। ये किसी भी कंट्री में अगर होगा, चाहे वो डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, यहाँ पर जेंट्रिफिकेशन में आपको सरकारी नीतियों का योगदान हमेशा नज़र आएगा। इसी को लेकर के सिविल एक्टिविस्ट, एनजीओज और ऑपोजिशन पार्टीज़ हमेशा रूलिंग पार्टी को कर्स करती हैं, सवाल करती हैं, कोसती हैं, सवाल करती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि भई आपकी ये पॉलिसीज़ क्यों इस तरह से रोल प्ले करके गई। जैसे 1930s से 60s के बीच में अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही केस लूँ, तो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक लॉ बनाया गया, एक रूल बनाया गया, जिसको वहाँ के रिजर्व बैंक यानी कि फेडरल बैंक ने फॉलो किया, जिसके तहत उन्होंने ये डिक्लेयर किया, इसे लेबल किया कि ये जो पर्टिकुलर सेटलमेंट्स हैं ये सेटलमेंट रिस्की हैं, ये लो वैल्यूड सेटलमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इन्वेस्टमेंट इज़ रिस्की। अब जब आपने किसी एक रीजन को रिस्की इन्वेस्टमेंट एरिया कह दिया है, लो वैल्यू एरिया कह दिया है, तो समस्या ये आ जाती है कि वो पर्टिकुलर रीजन में जो रह रहे लोग हैं उनको अब अगर अपने घरों को रेनोवेट करना है, रीबिल्ड करना है, एक्सपेंशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, उनके इस सपोर्ट को हमें क्रेडिट सप्लाई से स्ट्रेंदन करना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा उनको, तभी वो ये कार्य कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो है द क्रेडिट, और क्रेडिट आपको प्रोवाइड किया जाता है द लेंडर यानी कि बैंक्स। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करूं तो बैंक्स। अब बैंक्स यहां पर आपको क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्यों लेंड करेंगे, जब उन्हें ये प्रॉमिस है, उन्हें ये पता है कि यहाँ से पैसा वापस आएगा, और वो पैसा वापस आने का स्कोप उन्हें तब नज़र आता है जब वो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है, ये आने वाले समय में एप्रिशिएटिंग है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन जब गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत ये क्लियर हो रहा है कि दिस रीजन इज़ लो वैल्यूड रीजन एंड द इन्वेस्टमेंट इज़ ए रिस्की गेम, तो अल्टीमेटली नो वन विल इन्वेस्ट, सो नो वन विल प्रोवाइड यू क्रेडिट। तो इसकी वजह से आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि आप अपने हाउसेस को, अपनी सेटलमेंट्स को मॉडर्नाइज करें, नई टेक्नोलॉजीज़, नई इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, नई कमर्शियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसफॉर्म करें और अडेप्टेबल बनाएं और एक बेटर लिविंग कर पाएं, ये हो ही नहीं पाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो लोग हैं वो लो इनकम्ड हैं, पुअर इनकम पीपल हैं, और उन्हें हमेशा समर्थन चाहिए इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ का, यानी कि बैंक्स का, गवर्नमेंट का, पॉलिसीज़ का, और ये यहाँ पर लैक होता है। इसकी वजह से हो ये जाता है कि ये लोग डे बाय डे फ्रेजाइल होते जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं, और एक समय के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि ये यहाँ से किसी भी औनी पौनी कीमत पर अपनी जगहों को बेच करके निकल जाएं। ये उनके बारे में जिनके पास ये जगहें होती हैं। अब ऐसे में होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप एक्टिवेट होता है, वो कौन सा है, द वाइट फ्लाइट। पहले स्टेप में जैसे ही गवर्नमेंट के एंड पर इस तरह की पॉलिसी आती है रेड लाइनिंग, जिसमें वो रेड लाइन कर देते हैं उस रीजन को लाल फीता, और उसकी वजह से उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ इनिशिएट होता है वाइट फ्लाइट। लेकिन दोनों फेजेज़ में एक बॉडी बहुत कॉमन है, दैट इज़ अ रियल एस्टेट ब्रोकर। पहले फेज़ में ये रियल एस्टेट ब्रोकर ही हैं जो बड़े लेवल पर स्पेकुलेशंस करते हैं कि ये रीजन अब फॉल करेगा, ये रीजन अब गिरेगा। ऐसे में यहाँ पे रह रहे जो वाइट सेटलर्स हैं, वो वाइट सेटलर्स उन रियल एस्टेट होल्डर्स को औने पौने दामों में ये जगहें बेच करके यहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत
जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, अगर तो वो पुअर हैं, उनको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, हाउसेज को रेनोवेट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, जो क्रेडिट से मिलेगी वो मिलनी नहीं। और अगर वहाँ पर जो वाइट सेटलर्स हैं उनके ये घर हैं जो उन्होंने रेंट पे या किसी और चीज़ में चढ़ा रखे हैं, उनको जब ये दिख रहा है कि हमारा ये जो एसेट है ये हमें एक प्रॉपर कैपिटल रियलाइज़ करके नहीं देगा, रिटर्न नहीं करके देगा, ऐसे में ये कैपिटल वर्थलेस हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि दिस रीजन इज़ नो मोर प्रॉफिटेबल, दिस रीजन इज़ नॉट गुड फॉर द रिटेंशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, बिकॉज दिस इज़ हाई रिस्क एरिया, बिकॉज दिस इज़ लो वैल्यू एरिया। सो फिर आप अपनी जगह को बेचते हैं, वहाँ से जाते हैं। और दूसरा, आपको बहुत ही ल्यूक्रेटिव लाइफस्टाइल दिखाया जाता है रियल एस्टेट ओनर्स की तरफ से, कि आपको वहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क्स मिलेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी, अच्छी रोड्स होंगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, और ये जो ब्लैक पीपल का न्यू सेंस है ये वहाँ पर नहीं होगा, आप वहाँ पर एक बेहतर जीवन बिता पाएंगे। तो ये लोग फिर वहाँ जाते हैं सब अर्बन एरियाज़ में, और ये करने के लिए ज़िम्मेदार भी रियल एस्टेट काफ़ी हद तक है। क्यों? क्योंकि सब अर्बन एरियाज़ उन्होंने औने पौने दाम में एक समय में ख़रीदे होते हैं, लेकिन अब स्पेकुलेशन की वजह से अचानक से उन जगहों की मांग बढ़ेगी, इससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए इनको इससे लाभ होता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट में स्पेकुलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस दौर को वाइट फ्लाइट कहा जाता है, जब बड़े पैमाने पर लोग अर्बन एरियाज़ के कोर को छोड़ करके सब अर्बन एरियाज़ की तरफ गए। रीज़न ये था कि नाउ यू कैन ईजिली कम्यूट फ्रॉम द सब अर्बन एरियाज़ टू द कोर एरिया, बिकॉज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विकसित हो चुका था, इसलिए अब वहाँ पर जाने में समस्या नहीं थी। द थर्ड एस्पेक्ट इज़ द अर्बन रिन्यूअल। अब वो जो लोग मेन बिल्टअप एरिया में रह गए हैं, वो जो कोर एरियाज़ में रह गए हैं, उन पर दोहरी मार पड़ेगी। सरकार अर्बन एरियाज़ को रिन्यू करती है, क्योंकि एक समय के बाद जो शुरुआत में इंडस्ट्री लगी थी वो इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हुआ, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कई तरह की इंटरमीडिएट असेंबली लाइन्स वहाँ पर लग चुकी हैं, दूसरी सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वहाँ बढ़ रही है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो नेचुरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को रॉबस्ट बनाना ही पड़ेगा, और बढ़ती हुई जनसंख्या को वहाँ पर एडजस्ट करना है। इसके लिए क्या करना है? फिर दौर शुरू होता है रिन्यूएबल फेज़, और ये सरकार करती है मेनली। इसमें होता ये है कि आप रोड्स और हाईवेज़ को एक्सपेंशन करते हैं, आप स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सिटी रीअलाइनमेंट होता है। इस प्रोसेस में भी मैक्सिमम जिन लोगों के घर, जिन लोगों की हाउसिंग, बिल्डिंग्स एक्वायर की जाती हैं, वो वही लोग हैं जो ओरिजिनल पीपल वहाँ रह रहे हैं, द पुअर पीपल, द वीक पीपल। तो उनके एरियाज़ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और उन्हें फिर इस अर्बन रिन्यूएबल प्रोसेस की वजह से यहाँ से निकलना पड़ता है, वो खदेड़े जाते हैं, एक तरह से उनका मास डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और ये फेज़ ही फर्दर इमर्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो लोग फिर तेज़ी से यहाँ से ज़मीनें, जगह, घर, इन चीज़ों को खाली करके बाहर की ओर जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसइन्वेस्टमेंट आपको नज़र आता है। इसके बाद एक फेज़ एक्टिवेट होता है, दैट इज़ अ सब प्राइम लैंडिंग, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको जेंट्रिफिकेशन आज बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, वो था सब प्राइम लैंडिंग। आपको पता होगा 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैंक डूबे, उसे हम इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से जानते हैं। उसके कोर में सही मायने में सब प्राइम लैंडिंग था। सब प्राइम लैंडिंग का मतलब क्या है कि बैंक्स के अपने प्राइम लैंडर्स होते हैं जिन्हें बैंक्स लैंडिंग करती है, और सही मायने में बैंक को ये पता होता है कि भाई यहाँ से मुझे पैसा वापस आएगा, क्योंकि उसके एसेट्स उसने वेरीफाई किए हैं, उसने जो भी मॉर्गेज यानी कि बंधक रखी हैं चीज़ें, कोलेटरल्स, उसको उसने बेटर वे में स्टडी किया है, तो उसे अश्योरेंस है। लेकिन एक समय ऐसा भी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब बड़े पैमाने पर बैंक्स ने जो प्राइम लैंडिंग जिन कैटेगरीज को होनी चाहिए वही बेनिफिट सब प्राइम, मतलब उनसे नीचे की वर्थ रखने वाले लोगों को, जिनके पास एसेट्स उतने नहीं थे, कोलेटरल्स उतने नहीं थे, उनको लोन दिया। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जब सब प्राइम लैंडिंग होनी हुई बहुत ज़बरदस्त वे में, उसकी वजह से लोगों के पास पैसा आया था, उस पैसे की वजह से लोगों ने कंजम्पशन को रेस किया, कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब कंजम्पशन तो उन लोगों ने बढ़ा दिया, लेकिन वो जो पैसा उनके पास आया था उसे उन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में नहीं लगाया, तो धीरे धीरे होने ये लगा था कि बैंक्स के रिटर्न्स आने बंद हो गए थे। ऐसे में बैंक्स के लोन फेलियर होने लगे, जिसे हम कहते हैं बैंक्स का एसेट नॉन परफॉर्मिंग होने लगा।
अब ये परिस्थिति जब क्रिएट होने लगी तो इकोनॉमी एकदम से फ्रेजाइल हुई। अब फ्रेजाइल हुई तो मतलब ये है कि बैंक्स फेल हो गए, बैंक्स पे डिपेंडेंट सारा चेन होता है, स्टॉक मार्केट फेल हो गई, उनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो गिर गए, इंडस्ट्रीज़ फेल हुई, एग्रीकल्चर सेगमेंट फेल हुआ, सब कुछ एक लाइन में फेल होता चला गया। तो हुआ ये है कि इस सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस की वजह से जो वो क्षेत्र के लोग हैं, जो कोर एरिया के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो लोन्स अवेल किए गए थे वो दे नहीं पा रहे थे, वो उन चीज़ों को समर्थन नहीं कर पा रहे थे जो फैसिलिटीज़ उन्होंने उस लोन के माध्यम से अफोर्ड की थी, क्योंकि अब लोन रीपे करने का समय था। ऐसे में जिन लोगों के पास पैसा था, रियल एस्टेट होल्डर्स ने उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया, और ये जो इकोनॉमिकली फ्रेजाइल लोग हो गए उस समय के लोन के दौर में, इनको इनके लोन केसेस फोर क्लोज करा दिए, पहले ही बंद करा दिए उन लोगों से पेमेंट्स करा करके। ऐसे में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही औने पौने दाम में घर बिके थे उन दिनों में, बहुत ही औने पौने दाम में। तो अब जो लोग रीलोकेट होना चाहते थे, यानी कि जो लोग सब अर्बन एरिया से वापस सिटी की ओर आना चाहते थे, क्योंकि सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब नए फॉर्म में बिल्टअप हो रहा था, सड़कें चौड़ी हो रही थी, वहाँ पर ज़्यादा अप्रोचेबल थी आपकी वर्किंग कॉम्प्लेक्सेस, तो ऐसे में उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया। जो सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस की वजह से फोर क्लोजर्स हुए, लोन फोर क्लोजर्स, उनको फोर क्लोज कराने में इन लोगों के पैसों ने मदद की, और ऐसे में इन्होंने फ्लिप किया इमीडिएटली अपने घरों से इन घरों की तरफ, और ये जो इकोनॉमिकली फ्रेजाइल लोग थे ये यहाँ से खदेड़ दिए गए, इनकी जगहें फटाफट ऑक्यूपाई करके, उसे तोड़ ताड़ करके, वहाँ पर नए घर बना करके आपने अपना आशियाना बसा लिया। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम रहा है, रेड लाइनिंग से लेकर के फोर क्लोज क्राइजर तक का, फोर क्लोज क्लोजर क्राइसिस तक का, इस तरह से ये चेन इफेक्ट के तौर पे काम हुआ, और जेंट्रिफिकेशन हुआ, ये सारी एक्टिविटीज़ ने इसमें रोल प्ले किया। सेंट्रल सिटी डिसइन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज में सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये आ जाता है कि आप इस वजह से इन क्षेत्रों की तरफ, अब पहले डिसइन्वेस्टमेंट के रीजंस मैंने आपको सारे बताए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रीजंस अब यहाँ पर ये आ जाते हैं कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल सेटअप चेंज होता है, इनका नए कमर्शियल इकोनॉमी, नई टर्शरी क्वार्टरनरी इकोनॉमी अब यहाँ पर आ गई है। अब वाइट पीपल इस इकोनॉमी में, पॉल्यूशंस नहीं है, चिमनीज आर नॉट देयर, जो फैक्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलते हैं केमिकल, अब वो नहीं निकलेंगे यहाँ पर। अब सही मायने में फैक्ट्री कहाँ गई हैं, अब वो फैक्ट्रीज़ गई हैं फ्रिंज एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ गई हैं सब अर्बन एरियाज़ में, अब केमिकल चिमनीज़ वहाँ हैं, अब एफ्लुएंट केमिकल वहाँ निकल रहे हैं, अब स्लेज वहाँ निकलती है। अब यहाँ पर तो सिटी सेंटर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, हर तरह के सर्विस इकोनॉमी यहाँ पर चल रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं, बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं। तो नाउ नाउ यू नीड टू गो टू क्लोज टू दोज सेट एस्टेब्लिशमेंट्स, तो फॉर दैट आप वहाँ पर आ रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेटर यहाँ पर है, फिर सिविक कम्युनिटीज़ अब यहाँ पर बेटर हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिर आधार बन जाती हैं इन्वेस्टमेंट का। और जो पहले वहाँ पर बिजनेसेस रन हो रहे थे, शॉप्स रन हो रही थी, हर चीज़ इकोनॉमी की कम्युनिटीज़ को द्वारा आ रही थी, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द कम्युनिटी, उनको अब कम्युनिटी बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को ख़त्म करके अब नए बिजनेसेस, नए सिस्टम्स यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, नए जिमनेशियम आते हैं यहाँ पर, नए तरह के इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स उभर करके आते हैं, पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट होती है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के आधार ये हो जाते हैं, बेटर रिक्रिएशन, बेटर पार्क्स, बेटर स्कूल हॉस्पिटल्स, बेटर कॉलेज फैसिलिटी, प्रॉक्सिमिटी टू योर वर्किंग एरिया, बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ओवर देयर, बेटर लेजर एंड अम्यूजमेंट लाइक द होटल्स, रेस्टोरेंट, स्पाज, एवरीथिंग, एंड द हाई वैल्यू ऑफ द लैंड, सो ये सो दैट यू कैन अर्न मोर एंड मोर रेंट, सो हाई लेवल रेंट्स विल बी देयर, मोर लैंड लॉज आर विल बी देयर, सो द थिंग इज़ कि मॉर्गेजेस भी बढ़ेंगे, आपको बेटर रेंट से पैसा आएगा, बेटर लीज से पैसा आएगा, क्योंकि जगह की कीमत बढ़ रही है, हर कोई चाहेगा वहाँ पे जगह लेकर के, उसे किसी बैंक को, किसी शॉपिंग मॉल को, किसी स्कूल कॉलेज को मैं रेंट पर क्यों ना दे दूँ, क्योंकि अब तो रेंट ही बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये अब एरिया लुक्रेटिव हो जाएगा, एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अर्बन रिन्यूएबल कर दिया है,
और ऐसे में वर्थ बढ़ जाएगी लैंड की, और हर कोई अब यहाँ पर आना चाहेगा, एसोसिएट होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आमदनी है ज़मीन में, ज़मीन की कीमत अब बढ़ गई है, समर्थन भी है, सुविधाएं भी हैं। तो ये एक रोल प्ले करता है। अब सवाल ये आता है कि जो लोग यहाँ से उखाड़े जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो लोग जेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस के तहत बाहर गए, यही अर्बनाइजेशन का एक नेगेटिव चेहरा है। वो जहाँ जा करके बसेंगे वहाँ पर सिविक अम्यूनिटीज़ नहीं है, उन्हें पुअर हाउसिंग।